हर जगह भू माफियाओं के अतिक्रमण से हर कोई परेशान है, लेकिन झुंझुनू से जो तस्वीर सामने आई है उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। जी हाँ, यहाँ खेत के बीच से गुजरने वाले रास्ते पर जब अतिक्रमण हो गया तो लोगों को मरीज को चारपाई पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें सरकारी जमीन और सार्वजनिक रास्ता पर भू माफियाओं के कब्जे की कहानी बयां कर रही है। ये तस्वीरें सिस्टम की उस नाकामी को उजागर कर रही हैं, जहां अफसर भू माफियाओं के आगे या तो बेबस हैं या बेपरवाह। तस्वीरें झुंझुनू के दीपलवास की हैं, जहां खेतों के बीच से गुजर रहे कच्चे रास्ते पर अतिक्रमण हुआ तो रास्ता सिकुड़ता गया। अब इस रास्ते से गाड़ी नहीं गुजर सकती। रविवार को यहाँ एक परिवार की महिला बीमार हो गई, उसे अस्पताल ले जाना था लेकिन गाड़ी घर तक नहीं आ सकती, तो अस्पताल ले कैसे जाए। रास्ता इतना संकरा हो गया कि आमने सामने से दो बाइकें भी नहीं निकल सकती। लेकिन जब महिला की हालत और बिगड़ने लगी तो परिजन उसे चारपाई पर लौटाकर अस्पताल रवाना हो गए। लोगों का कहना है कि इस बारे में एसडीएम और तहसीलदार से भी कई बार शिकायत की लेकिन कोई असर नहीं हुआ। और ये रास्ता 20 मई से पहले खुला था और 20 मई को बंद कर दिया गया। अभी रास्ता इतना कम कर दिया कि हम दो आदमी भी एक साथ नहीं निकल सकते। मोटरसाइकिल ले जाने में परेशान होते हैं, जैसे बीमार हो घर में कोई भी हो उसमें बहुत समस्या आती है। इस रास्ते के कारण हम बहुत परेशान हो रहे हैं। एसडीएम से मिले थे, उसने भी हमें आश्वासन दिया। तहसीलदार से भी मिले थे, उसने भी कहा कि अभी रुको, टाइम लगेगा थोड़ा, कि भैया तो आप मुकदमा करो फिर फैसला होगा। तो सुना आपने, तहसीलदार और एसडीएम तक शिकायत पहुंच गई है, लेकिन शायद साहब ऐसी कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहते, तो इनकी फरियाद पर ध्यान दे कौन। एक हकीकत तो ये भी है कि तस्वीरें भले ही एक जगह की सामने आई है लेकिन प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हालात कमोबेश यही है। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू।